नमस्कार, सत्यमेव न्यूज के खबर दिन भर में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे जम्मू में बस खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 34 हुए घायल। पापड़ी में चारे के अभाव में गोवंश की हुई मौत, ग्रामीणों ने चारा डिपो खुलवाने की मांग। कोलकाता में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, आग लगने के कारणों का नहीं चला अभी तक कोई पता। और ओसिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 469 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट किया बरामद। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 34 लोग घायल हो गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर जा रही यात्रियों से भरी एक बस ने शुक्रवार को राजमार्ग पर एक तरफा यात्रा प्रबंध से बचने के लिए घूमकर जाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वह मल्लाजता इलाके में एक खाई में गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक कपड़ा गोदाम में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग में अभी तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चितपुर इलाके में सुबह 8:10 के आसपास आग लगने की खबर मिली है। इलाके में धुएं का काला गुबार उठता दिखाई दिया। घटनास्थल पर मौजूद दमकल की 10 गाड़ियां आग के लपटों में छा गई। काबू में करने के आसपास के लिए प्रतिष्ठानों में फैलने को रोकने का प्रयास कर रही थी। आग लगने का कारण अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। सोजा सिटी में स्थानीय पुलिस थाने में शुक्रवार शाम को सीएलजी सदस्यों की बैठक नए पुलिस उप अधीक्षक चंदन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नए पुलिस उप अधीक्षक चंदन सिंह ने परिचय के साथ प्रबुद्ध जनों से सहयोग मांगा है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के सकारात्मक भूमिका के प्रति आश्वस्त किया है। वहीं उन्होंने सीएलजी सदस्य और आमजन से अपील की किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर इसकी अविलंब सूचना पुलिस को दे और किसी भी अपरिचित को रखने या कार्य पर लगने से पहले उसकी पहचान स्थापित करे। इस मौके पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष श्यामलाल गहलोत, पार्षद विकास टांक, रतन इचरसा, घेवर मेवाड़ा, कैलाश सांखला, नरपत सिंह दे, ओम प्रकाश बोराणा, बाबू खा, मेहर रुस्तम खा सहित कई लोग उपस्थित रहे। श्रीमान ने जैसा कि बताया कि इनके मार्गदर्शन की जरूरत होगी, हम इनके बुलाते रहेंगे। श्रीमान का भी धौलपुर जिले के सेपू कस्बे के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नवनिर्मित गेट का बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काट कर विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश शर्मा, महेंद्र सिंह परमार उर्फ बाबा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, सेपऊ सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र परमार, भामाशाह कुंज बिहारी गर्ग, दुष्यंत बघेल आदि अतिथियों का विद्यालय के प्रिंसिपल शिवदत्त शर्मा द्वारा साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि भामाशाह कुंज बिहारी द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिन्होंने इस विद्यालय का मुख्य द्वार का निर्माण कराया, जो कस्बे के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक पहल भी है। इस मौके पर होली सिंह पूर्व सरपंच, मड़ा काकोली बच्चू सिंह पूर्व सरपंच, कुनकुटा रामोतार परमार सहित विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ओसिया में बाना का बास गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 479 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राहुल भारत ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ के तस्करों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत स्पेशल टीम पुलिस जोधपुर ग्रामीण को मिली सूचना पर स्पेशल टीम और ओसिया थाना पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में बानों का बास में सांवरा राम पुत्र नारायण राम के रहवासी मकान पर दबिश देकर 489 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है, जिसकी बाजारी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस दबिश के दौरान तस्कर सांवरा राम पुलिस को आते देख भाग निकला, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस घटना का पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान भोजासर थाना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।
दिनांक 27 की शाम को पुलिस थाना ओसिया व स्पेशल टीम जोधपुर ग्रामीण को सांवरा राम सुनोप नारायण राम निवासी मानव के पास कृष्ण के घर पर भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्टों ने एक सूचना मिली थी, जिससे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके घर पर दबिश दी थी। और दबिश देते समय वहाँ से 479 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया था। पर पुलिस की जानकारी उसको किसी तरीके से मिलने पर वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया और अनुसंधान थाना अधिकारी मुलाजिम द्वारा किया गया। झुंझुनू में शहीद परिवारों को सहायता देने का क्रम आज भी जारी है। सोती गांव में संचालित युवा शक्ति ग्रुप के पहल पर गांव के घर घर से सहायता राशि इकट्ठा की गई और इस सहायता राशि का ड्राफ्ट 11,400 रुपए जिला कलेक्टर रवि जैन को सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने यह राशि ग्रामीणों से इकट्ठा की है, साथ ही शहीद परिवारों को सहायता देने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मथुरा में फलोदी उपखंड क्षेत्र के कीरेरो की ढाणी जैसला में पिछले करीब 3 महीनों से नलकूप बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को देखते हुए कुछ समय पहले चंदा राशि एकत्रित कर नलकूप खुदवा कर जल विभाग को सुपुर्द किया था, जो विभाग की उदासीनता के कारण बंद पड़ा है। हम आपको यहां बता दें कि इस नलकूप से दूर दराज में बसे करीब 250 घरों को लाभ मिल रहा था, जो 500 रुपए देकर पानी पीने का टैंकर मंगवाने को मजबूर है। पिछले 3 महीनों से अब तक ग्रामीण नलकूपों को ठीक से करने के लिए तहसील से लेकर जिले स्तर तक सभी अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी अब तक नलकूप ठीक नहीं करवाया गया, इससे ग्रामीणों में भारी रोष है। सिरोही जिले के आबू रोड रिका थाना क्षेत्र में LIC मोड़ पर 3 ट्रक सहित 4 वाहनों में आपसी भिड़ गए। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है, वहीं हादसे में वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों ने घायलों को ट्रक से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पूरी घटना का CCTV वीडियो हाईवे पर स्थित एक औद्योगिक इकाई में कैद हो गया है। बीकानेर में मतोत्सव मत का अधिकार सप्ताह के तहत आज ट्राईसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में हल्की फुहारों के बावजूद दिव्यांगजनों ने गजब का उत्साह दिखाया। इस अवसर पर गौतम ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाए और अपने मत का सही उपयोग करे, इसके प्रति जागरूकता के लिए मतोत्सव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम के लिए संदेश और स्लोगन का निर्धारण किया गया। रैली में पैदल सेवा आश्रम और राजकीय मूक बधिर विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया है। जिला कलेक्टर ने बच्चों से हाथ मिलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। इस अवसर पर गौतम ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाए, इसके प्रति जागरूकता के लिए मतोत्सव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक LD पवार, स्वीप सह प्रभारी राजेंद्र जोशी उपस्थित रहे। बापीड़ी में बरसिको का बास ग्राम पंचायत में गांव के चारे के अभाव में आवारा गोवंश दम तोड़ रहे हैं, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में काफी आवारा पशु है और इस बार पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होने से आसपास रंगोत्सव साजन भूमि
में घास फूस की ज्यादा पैदावार नहीं हुई है। अब आवारा पशुओं के लिए खाने लायक कुछ नहीं बचा है, जो कई गोवंश चारे की तलाश में भटक रहे हैं। आखिर में कहीं चारा नहीं मिलने से निडान होकर बैठ जाती है, बाद में भूख से दम निकल जाता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने चारा डिपो आदि खुलवाने की मांग की है। झुंझुनू के सोती गांव में वीर सैनिकों की बहादुरी और अभिनंदन की वतन वापसी की खुशी मनाई है। सोती में पटेल चौकी में युवाओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां खिलाकर भारतीय वायुसेना के प्रति खुशी जाहिर की है। साथ ही कहा है कि अभिनंदन की सकुशल घर वापसी भी भारत की बड़ी जीत है। एडवोकेट सुरेश गुर्जर ने बताया कि भारतीय वायुसेना के इस बदले स्वरूप कार्रवाई पर हमें नाज है। यह कार्रवाई हमारे शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद समाप्ति को लेकर सरकार और सेना ऐसे ही कदम उठाती रहे। झुंझुनू के इस्लामपुर कस्बे में स्थित मुहर्रम चौक इमामबाड़ा के निकट मदरसा काशीफुल उलूम में ऑक्सफोर्ड अस्पताल झुंझुनू की ओर से निशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है और सभी डॉक्टरों का माला पहनाकर स्वागत किया गया है। डॉक्टरों को पूर्व सरपंच प्रतिनिधि आमीन मणियार, शरीफ बैग रहमान भाटी, सजन खेतान, अजमल खान सहित अनेक लोगों ने डॉक्टर को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। शिविर के उद्घाटन से पहले सभी लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।